Okay guys, welcome back to my channel and in this video I'll be discussing about the knee goniometry. इसके अंदर हमने देखना है, अब as we know कि knee के ऊपर हमारे पास सिर्फ flexion extension ही हो सकती है. So हम क्या करेंगे कि इसको measure करने के लिए first हम अभी देखते हैं flexion कैसे करेंगे. ठीक है, तो flexion में कैसे हमने goniometry को करवाना है. तो अब इसमें डिपेंड करता है कि हम सुपाइन भी पेशेंट को कह सकते हैं कि सुपाइन पोजिशन में आ जाएँ अगर वो हिप को ईजिली फ्लैक्स कर सकते हैं, राइट. अदरवाइज इफ़ द पेशेंट कैनॉट डू दैट हिप फ्लेक्शन प्रॉपरली, राइट, ठीक है, या फिर उनको कोई अनकम्फर्टेबल होता है इसको करने में, ठीक है, तो क्या होगा कि हमने उनको प्रोन पोजिशन में हम उनको ले आएंगे, ठीक है, एंड देन नी को फ्लैक्स करवा लेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद अब देखें इसमें क्या है बेसिकली हमारे पास कि हमने फलक्रम को कहाँ पर प्लेस करना होगा. ओके, लेट मी शो यू द पिक्चर. सो हियर यू कैन सी, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं बेसिकली कि फलक्रम को हम प्लेस करते हैं लेटरल एपिकंडाइल ऑफ द फीमर पे, राइट, और इसके अंदर हमारे पास जो स्टेशनरी आर्म होगा दैट वुड बी एट द लेटरल मिड लाइन ऑफ द फीमर, राइट, एंड द मूविंग आर्म वुड बी एट द लेटरल मेल्यूलस. ठीक है, हियर यू कैन सी लेटरल मेल्यूलस, या फिर ये मिड लाइन ऑफ द फेबुला, मतलब एक ही बात है, ठीक है, कि हमारे पास लेटरल मेल्यूलस पे होगा या मिड लाइन ऑफ द फेबुला कह सकते हैं आप, वहाँ पर हम इसको प्लेस करेंगे. ठीक है, सो जो उसमें नॉर्मल रेंज आएगी हमारे पास दैट वुड बी फ्रॉम 135 to 150. किसकी होगी ये? नी फ्लेक्शन की. ठीक है, मैं नी फ्लेक्शन की एक आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ. वेट अ सेक. सो हियर इस तरह से क्या हो जाएगी, नी की फ्लेक्शन हो जाएगी. और इस तरह से पहले मूवेबल आर्म हमारे पास अलाइन था विद द लेग, ठीक है, अब नाउ इट हैज़ मूव्ड हियर. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, नॉर्मल रेंजेस को हम देख लेंगे इसमें क्या बन जाते हैं. ठीक है, देन वी हैव एक्सटेंशन. ठीक है, एंड एक्सटेंशन के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम क्या करेंगे, प्रोन पोजिशन के अंदर उसको प्लेस करेंगे पेशेंट को. ठीक है, और इसमें वही जो सारी हमारे पास प्लेसमेंट है गोनीमीटर, हमने कहाँ प्लेस करना है, वेयर शुड बी द फल्क्रम एंड बाकी आर्म्स. ठीक है, तो वो बिल्कुल फ्लेक्शन की तरह है हमारे पास. ठीक है, इसमें जो नॉर्मल रेंज आती है दैट इज़ फ्रॉम 0 to 10 degrees. ठीक है, यू नो कि हमारे पास बहुत ही मिनिमल सी एक्सटेंशन अगर होती भी है कुछ में तो वो क्या होगी, हो सकती है. ठीक है, वैसे हमारे पास अक्सर ज़ीरो होती है या फिर 0 to 10 तक वो वेरी कर सकती है. ठीक है, सो यहाँ तक तो हमारे पास नी गोनीमेट्री एंड लास्ट पार्ट वुड बी द एंकल गोनीमेट्री. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.